बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एनटीएस टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने एक पेपर शुरू किया था, असिस्टेंट का पेपर था, जो कि ईटा के जरिए 30 मार्च 2022 को डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स के लिए हो चुका था। उसके तीन पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, इस वक्त पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अनरीडेबल है, उसको सही तरह रीड नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप दोस्तों से, जिन दोस्तों ने ये पेपर दिया हुआ है, वो फौरन उन्हीं क्वेश्चंस को, दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं तो उनको क्लियरली लिख कर मुझे फौरन सेंड कर दिया। अगर उनके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन भी पता हो तो उनको भी करेक्ट ऑप्शन भी बता दे, ताकि जल्दी पेपर अमल कर सके। इसके बाद एक मजीद पार्ट होगा, उसके बाद कंप्लीट पेपर अपलोड करूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। अब यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में ये लिखा हुआ है कि ही प्रिपेयर्स नॉट टू शो डेट ही हैज। यहां पर अब ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्या है, अ बिग इन हिज, ये नहीं समझ सही तरह, तो प्लीज इसको क्लियर करके फौरन मुझे सेंड कर दे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 54 देखे, 54 क्वेश्चन नंबर 54 भी सही तरह रीड नहीं, लेकिन जिस लफ्ज को अंडरलाइन किया हुआ है उसको हम रीड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है IRONY, आयरोनी, फैट, FATA, फैट यानी किस्मत की सितम जरीफी, आयरोनी ऑफ फैट। तो ये मतलब, इसका मतलब है कि जो बंदे का जो तवक्को हो उसके खिलाफ फैसला आना, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन को, आई सोल्ड द वॉच डेट माई सिस्टर गेव मी। अब यहां पर डेट जो है ना, अगर ये दो किस्म की, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये नहीं है, किसी दोस्त ने ऑब्जेक्ट का बताया लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है। जो नाउन पहले गुजर जाए और उसकी तरफ इशारा करे तो क्या बनता है फिर, ये रिलेटिव प्रोनाउन। डेट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आते हैं लेकिन उसमें यहां नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 देखे, 56 ये क्वेश्चन भी नजर नहीं आ रहा, कीप अवे फ्रॉम द डॉग ही कैन बी, अब ये लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा कि ये क्या है, तो प्लीज इसकी भी जरा जल्दी सी वजाहत करें। और 57 नंबर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जा रहा है कि क्या है, ये हिज लेजेंडरी, अब ये नहीं पढ़ा जाता तो प्लीज इसकी भी जल्दी से वजाहत करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 58 जो है, ये भी नहीं पढ़ा जा रहा था, द सी वॉज रोलिंग इन, ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको भी जल्दी से वजाहत करें। अब बाकी क्वेश्चन जो है ये क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखे, द स्टेटिस्टिक्स स्पीक्स वॉल्यूम, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, स्पीक्स वॉल्यूम, कहते कि इस लफ्ज के करेक्ट मीनिंग क्या है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो इसका मतलब है टू प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन, गिव मच इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू एडियम है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, कहते इसकी करेक्ट मीनिंग, बर्ड्स आई व्यू के मानी है जनरल व्यू दोस्तों, डिटेल व्यू नहीं है, बर्ड्स की आंखें छोटी सी आंख होती है तो इसका मतलब है सरसरी नजर डालना, ऑप्शन बी जनरल व्यू। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 को, क्वेश्चन नंबर 61 कहते हैं, देट वॉज अ लवली
इवनिंग. लवली को अंडरलाइन क्या हुआ है, दैट इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव. लवली क्या है, एडजेक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 62 देखे, 62. आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज पुअर. बिकॉज को अंडरलाइन क्या हुआ है, कहते ये क्या है, दिस इज कंजंक्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 63. खाली जगह इज सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड्स बाय ओशन. कॉन्टिनेंट को कहते हैं, कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, फ्रॉम थ्री साइड्स बाय ओशन. ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें. क्वेश्चन नंबर 64. माउंट ओलंपस इज लोकेटेड इन ग्रीस. इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 65 देखे, 65 नंबर. हेडक्वार्टर ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट इज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 66. नमाज में रुको से उठने के बाद की हालत को क्या कहते हैं, कौमा कहते हैं. कौमा जलसा जो है दो सजदों के दरमियान जो थोड़ा सा वक्फा होता है उसको जलसा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, जो भी है, शरीक कारोबार, शरीकार और शरीक सफर को भी पड़ोसी कहते हैं. जो सफर में आपके साथ हो उसको भी पड़ोसी कहते हैं. और क्वेश्चन नंबर 68 है या क्या है, ये क्वेश्चन भी नजर नहीं आ रहा दोस्तों. ये लफ्ज समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, मक्का मुकर्रमे से कितने किलोमीटर दूर है. अब ये सफा मरवा मदीना जो भी लिखा है इसको भी प्लीज जल्दी से कर क्लेरिफिकेशन कर ले. और क्वेश्चन नंबर 69. खाली जगह है, कंप्यूटर्स वुड बी यूज बाय लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेट डेटा प्रोसेसिंग नीड्स सच एज बैंक एंड लार्ज इंश्योरेंस कंपनी. इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं दोस्तों. ऑप्शन बी है. सुपर कंप्यूटर तो टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होते हैं जो मिसाइल और ये इस तरह के वेदर फोरकास्टिंग के लिए. यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है. इसके बाद मजीद सिर्फ एक पार्ट वो भी अभी अपलोड करने वाले हूं. इनका जल्दी जल्दी से मुझे बता दें ताकि बाद में पूरे पेपर को हम हल कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसके बाद बाकी पेपर जो है ना ये क्लियर है दोस्त. इंशाल्लाह ताला इसको आसानी से हम लोड कर लेंगे.